उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील फरीदपुर में मतगणना स्थल पर उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना के लिए फरीदपुर में CAS इंटर कॉलेज और किसान इंटर कॉलेज को बनाया मतगणना स्थल। सुबह 8 बजे से जुटे समर्थकों की विकराल भीड़, जीत की खुशी में भूले कोरोना प्रोटोकॉल। समर्थकों ने बेतहाशा कोरोना से हुई मौतों से नहीं लिया सबक। दोनों कॉलेजों को ब्लॉक भूता और फरीदपुर के दिग्गजों को प्रशासन ने सजाया सवारा था, जहां से विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए जाने थे। पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन प्रशासन भीड़ के सामने लाचार नजर आया। बेतहाशा भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। फरीदपुर के दोनों मतगणना स्थलों पर AD जोन अविनाश चंद्र, ADM VK सिंह, ACP देहा राजकुमार अग्रवाल ने पारदर्शी मतगणना का जायजा लिया। SDM कुमार धर्मेंद्र, क्षेत्र अधिकारी राजकुमार मिश्रा, तहसीलदार BS चौधरी, कोतवाल सुरेंद्र सिंह पचौरी, कस्बा इंचार्ज राजकुमार सिंह टीम के साथ मुस्तैद रहे। मतगणना कार्य और प्रमाण पत्र वितरण देर रात तक चलता रहा। जोन के 9 जनपदों में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। सारे काउंटिंग पर्सनल मौजूद हैं, पुलिस के कर्मी मौजूद हैं और यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा करके कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हर पक्ष में भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये कहा गया है कि इसकी काउंटिंग अभी नहीं चल रही है। जो लोग केवल इस आशा में अंदर हैं 2 घंटे बाद उनका नंबर आएगा, उनको बाहर कर दो, बाहर इंतजार करें। पक्ष में केवल उतने लोगों को रखा जाए जितने की आवश्यकता है। पूरे बरेली जोन के 9 जनपदों में 90 जगह काउंटिंग चल रही है। बरेली में 15 जगह, बदायूं में 15 जगह, शाहजहाँपुर 15 जगह, पीलीभीत में 6 जगह, मुरादाबाद में 8, बिजनौर में 11, रामपुर में 6, अमरोहा में 6, संभल में 6। कुल मिलाकर के लगभग 16,000 अधिकारी और पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 2 शिफ्टों में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट में। और ऐसी संभावना है कि ये काउंटिंग जो है 24 से लेकर के 48 घंटे तक चलेगी। तो सबको ये कोरोना का प्रोटोकॉल है, इसको पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। हर जगह हेल्प डेस्क है और एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप का है, जिससे अगर किसी की तबीयत खराब होती है इसको सर्विस का मौका प्राप्त किया जा सके। अभी तक इस समय लगभग 1 बजने वाला है, 2 मई का, और अब तक की प्राप्त सूचना के हिसाब से सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग चल रही है। सर इसमें ये कब तक सर काउंटिंग चलेगी? कल के समय में अभी रिदिम पकड़ना है, लय पकड़ना है। एक बार लय पकड़ लेंगे तो पूरा काउंटिंग तेज होगी और ये संभावना है कि 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे 48 घंटे तक हो सकते हैं।